सावित्री की इस कंडीशन का जिम्मेदार सिर्फ गणेश और सिर्फ गणेश ही है। जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, उसको सावित्री के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए था, उसको सावित्री का बिल्कुल सपोर्ट से सपोर्ट करके चलना चाहिए था। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो सामने आने वाली हैं और आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम लोग कितने दिन से कह रहे थे कि सावित्री को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब आज सावित्री ने अपनी नंद की सारी सच्चाई बताई है, विस्तार से बताई है, पूर्णिमा से मावस तक के बीच में उसका कैसा वो सफर करती है, मावस और पूर्णिमा की उसकी हालत कैसी हो जाती है, वो जो सवारी बातें जब उसने रखी है ना, तब लोगों को विश्वास आने लगा है, तब लोगों को ट्रस्ट आने लगा है इस बात पे कि हाँ हम लोग बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। पर एक बात आप हमें बताइए कि हम चाहते क्या थे? यही तो चाहते थे आप भी और मैं भी कि वो जहां रहे खुश रहे। उसकी चिंता परेशानी की वजह क्या है, कौन है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और कैसे कैसे सावित्री अभी भी इन सब चीजों को फेस कर रही है, आज के वीडियो में आपने 3-4 बार ऐसे क्लू और पॉइंट आपको मिले हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा ज्यादातर बातें जो भी उसने कही है गणेश ने, और सावित्री का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि काफी सारे सवाल थे जिनके जवाब सावित्री को चाहिए थे, जो कि वो जवाब नहीं मिले। उसको वो कंडीशन नहीं बताई गई थी उसकी बहन की, जो कंडीशन उसको होती है, बताया था, इतना नहीं बताया था कि इतनी ज्यादा उसको परेशानी है। और इन्होंने बोला 3 से 4 दिन अगर हम किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं तो 3-4 दिन में ठीक रहती है। पहली बात तो ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता अगर उनको ऊपरी कोई दिक्कत है तो। अगर डॉक्टर या मेंटली इनको कोई परेशानी है और डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो उसके लिए 3-4 दिन में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपको जादू की पुड़िया बना के दे देगा और आपकी बहन को रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ना उनको रिलीफ मिलने वाला है ना ही उन्हें उनकी बॉडी को रेस्ट मिलता है। आई बस समझ में, पर आपकी ये बेवकूफी है जो आप इस चीज को समझ रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सावित्री फिर से एक बार वही गलती कर रही है जो कि हम लोग पहले उसे हर एक गलती पे हम लोग उसको अवेयर करते हैं और वो उस चीज को समझती है। क्यों? क्योंकि हम उसके शुभचिंतक हैं, ना कि हम उसके हेटर्स में से हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सावित्री ने आज बात रखी है कि बागेश्वर धाम उसको उसकी नंद को लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, बागेश्वर धाम की जो पेसी है आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये खुद बागेश्वर धाम जो गुरुजी हैं वो खुद अपने इस बारे में बताते हैं। अगर आप उनकी पूरी वीडियोस देखेंगे, वॉच करेंगे, अगर आप इंस्टा पे भी हैं सावित्री तो भी आप वहां जाकर इस चीज को समझ सकते हैं। उनकी इंस्टा आईडी भी है और यूट्यूब आईडी भी है, उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल आप उनके चैनल पर जाकर देखें तो ही ज्यादा आपको सही लगेगा। कहीं सुनी बातें तो कहीं सुनी बातें होती हैं, वो कब किसकी सगी होती हैं। कोई भी जो किसी को कुछ बोलता है तो वो कहां किसी को सच्चा और रिलीफ मतलब किसी को सोचता है कि इसको आराम मिल जाए वो बात बोले, कभी कोई ऐसा हुआ नहीं। और रही बात ओझा बाबा के पास जाने की, तो देखो वो तो एक ट्रस्टेड बात होती है कि हाँ अगर इसके पास ट्रस्ट है, ये बंदा कुछ कर सकता है तो ही कोई काम हो, वरना नहीं। और इतना पैसा अगर इन्होंने फूंका होता, इतना पैसा अगर इन्होंने दिखाया होता, क्योंकि डॉक्टरी इलाज और मेंटली जो इसकी परेशानी है उस चीज को देखते हुए भी अगर इसको डॉक्टर के पास इलाज कराया जाता ना, तो जो कि इन्होंने ये बोला है कि मेरे पास इतना अमाउंट, मेरी जो माँ का मेरा जितना भी पेंसिल आता था वो सब इनके इलाज में ही लगता था, लगता होगा, इस चीज को हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर। पर मैं ये बात आप लोगों के साथ भी सहमत करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं उनकी नंद को लेके सावित्री बहुत ज्यादा सफर कर रही है और जितना भी सफर है सावित्री ही हैंडल करती है जब उससे, क्योंकि कई बार क्या है उनकी माँ हर टाइम उनके पास नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि उनकी जो परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, वो खुद उनकी माँ उनको हैंडल करती हैं। कई बार उनके भाइयों को भी करना पड़ जाता है, जो कि गणेश है और उनकी बड़ी बहन है, उनको भी बुलाया जाता है, काफी कुछ होता है। और सावित्री के माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि इस चीज से उसका माइंड चेंज हो, यहाँ पे उसको खुशी मिलेगी, यहाँ पे उसको स्ट्रेस मिलेगा, वो सब चीजें देखते हुए गणेश उसको बाहर घुमाने लेके जाता है, ये सब चीजें करता है। तो ये करना कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं सावित्री की केयर होनी चाहिए। पर सावित्री के दिमाग में और दिल में जो दहशत बैठ रही है उसका क्या, आप बताइए। आप लोगों ने इतना टाइम निकाल दिया, उससे नहीं निकल रहा है, क्यों निकलेगा? उसने कभी इतना भयंकर वाला रूप किसी का नहीं देखा है। और एक नया इंसान अगर कुछ ऐसी चीजें देखता है तो वो और ज्यादा डर जाता है। और सावित्री ने हमेशा कई बार सावित्री ने ये बात भी कही है कि मेरा मन बहुत ज्यादा कच्चा है, मैं इन चीजों को नहीं फेस कर सकती हूं। तो बहुत सारी बातें हैं जो सावित्री ने अपनी कही है। आशा करती हूं कि आप भी मेरी इन बातों से सहमत होंगे। सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।